हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएम सीरीज। ज्योग्राफी जुनून के फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्थल संधि और जल संधि के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम समझेंगे। तो देखिए, स्ट्रेट और इस्थमस जो है, इसको बहुत कॉमन चीज है, बहुत सिंपल चीज है, मगर आज भी बहुत से स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। और बेसिक से बेसिक अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन इसके बारे में आ भी सकता है। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल में नहीं तो जीएस में तो इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, इनके मतलब के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल संधि क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है। देखिए, जो जल संधि होती है, इसका मतलब समझिए जल और संधि, यानी जल को जोड़ना, जल का जुड़ाव। इसी तरह जल योजन भी कह सकते हैं इसको, जल का योजन यानी जल जुड़ाव। जल डमरू मध्य, यानी जल रूपी जो डमरू है उसका बीच का भाग, जल के डमरू का मध्य। तो इसको जल संधि, जल योजन, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कुछ भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, जो जल संधि जो होती है, वो जल जो है उसका एक पतला सा एक चैनल होता है, एक पतला जल मार्ग होता है, और ये दो जल राशियों को जोड़ने का काम करता है। तो क्या होता है, ये चैनल ऑफ वाटर होता है, जल का एक चैनल होता है, एक जल मार्ग होता है, जो दो वाटर बॉडीज को, दो विशाल जल राशियों को, चाहे वो महासागर हो या सागर हो, उनको जोड़ने का काम करता है। तो सेपरेट किसको करता है, ये दो स्थल भागों को, दो लैंड मासेज को सेपरेट करने का काम करता है। तो एक लाइन में अगर हम बोलें तो जल संधि जल का वह सकरा मार्ग है जो दो जल राशियों को जोड़ने का काम कर रहा है और दो स्थल राशियों को या दो स्थल खंडों को अलग अलग करने का काम करता है। इसको अगर हम यहां पर देखें हमारे डायग्राम में, तो ये क्या है, लैंड है, ये भी क्या है, लैंड है, दो स्थल भाग है, और इन दो स्थल भागों के बीच में देखिए ये पतला सा एक जल का एक वाटर चैनल है। इस वाटर चैनल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों स्ट्रेट, ठीक है, यानी इसको जल संधि कहेंगे। अब जल संधि कैसे, देखिए ये एक बड़ी जल राशि है, ठीक है, एक बहुत बड़ी जल राशि है, ये मान लीजिए कोई ओशन है, और इधर एक और ओशन है, ये भी बड़ी जल राशि है, ठीक है, ये ओशन भी हो सकता है, सागर या सी भी हो सकता है। अब इनको जोड़ते हुए ये पतला जो चैनल है ये जोड़ देगा, तो ये पूरा एक डमरू जैसी संरचना बन रही है, ये पूरी एक डमरू जैसी संरचना है, इसका मध्य भाग जो है ये, इसे जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर है। अब ये काम क्या आता है जल डमरू मध्य, तो देखिए जो दो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, इनके बीच में जब नेविगेशन करना होता है एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में, यानी एक महासागर से दूसरे महासागर में प्रवेश करने के लिए मददगार होता है। जब इस महासागर से इस महासागर में आना होगा तो ये स्ट्रेट जो है वो जलयानों को रास्ता प्रदान करती है, ताकि ये आसानी से एक इंटरनेशनल जो है रूट के रूप में, एक वाटर रूट, सी रूट जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो जल संधियां जो होती हैं वो दो स्थल भागों के बीच में होती हैं और दो महासागरों को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वाटर बॉडीज हैं, इनके बीच में अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट ना होती, मान लीजिए, और ये दो स्थल भाग आपस में जुड़े होते, तो किधर से आना पड़ता, या तो नॉर्दर्न साइड से या सदर्न साइड से निकलना पड़ता, तो रूट जो है वो कैसा हो जाता, बहुत बड़ा रूट हो जाता, बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती, तो इसलिए ये हेल्पफुल होती है। अब इसके रिवर्स में हम बात करें कि स्थल संधि क्या होती है, ठीक है, हम बात करें इस्थमस क्या होता है या स्थल डमरू मध्य क्या होता है, तो दोस्तों ये स्थल संधि है, यानी ये स्थल को जोड़ेगा, और स्थल को जोड़ क्या सकता है, स्थल को स्थली जोड़ेगा, ठीक है, जल को जल जोड़ेगा, स्थल को स्थल जोड़ेगा, यानी स्थल संधि जो है वो स्थल का वो सकरा मार्ग होता है, स्थल का वो सकरा मार्ग होता है जो दो स्थल खंडों को जोड़ने का काम करता है और दो जल राशियों को अलग करने का काम करता है। ये एक बहुत नैरो स्ट्रिप होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है
जो कनेक्ट करती है दो लैंडमासेस को, दो स्थल खंडों को जोड़ेगी, जबकि सेपरेट करती है दो वाटर बॉडीज को। ठीक है, दो विशाल जलराशियों को, चाहे वो महासागर हो या सागर हो, उनको अलग करेगा और दो स्थल भागों को जोड़ेगा। ठीक है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थल संधि है तो स्थल को जोड़ेगी, जल संधि है तो जल को जोड़ेगी। ठीक है, स्थल संधि है तो जल को विभाजित करेगी, और स्थल संधि जल को विभाजित कर रही है तो जल संधि किसको विभाजित करेगी? स्थल को विभाजित करेगी। ठीक है, यहां देखिए, ये स्थल संधि है हमारी, ये लैंड है और ये भी हमारा लैंड मास है, ये दो बड़े स्थल के भाग हैं। अब इसमें देखें तो यहां से और यहां के बीच ये कनेक्ट कर रहा है दो स्थल भागों को, तो इसलिए ये पूरा एक डमरू जैसी संरचना नहीं बन रही है, शंकर जी का डमरू। ठीक है, तो ये डमरू दो स्थल भागों के बीच का जो डमरू का मध्य भाग है वो स्थल डमरू मध्य या स्थल संधि कहलाता है। और इसके दोनों तरफ देखिए, यहां पर ये दो ओशियन है या दो विशाल जलराशियां हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज हैं, इनको इसने सेपरेट किया है। अब इसका काम क्या है भाई, स्थल संधि का यूज क्या है? तो सबसे पहला तो देखिए, स्थल संधि का यूज ये है कि यहां से एनिमल प्लांट्स जो है वो एक स्थल भाग से दूसरे स्थल भाग में इसके थ्रू गमन कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कुछ एनिमल्स हैं। अब ये एनिमल्स जो हैं वो यहां से और दूसरे स्थल भाग की ओर जाना चाहेंगे, तो अपने साथ इनके साथ जो है वो पादपों के बीज वगैरह भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें अगर हम जो पेलियो अगर फॉसिल्स देखें, हम पुराजीवाश्म देखें, तो जो भी महाद्वीपीय भाग या दो देश जो हैं वो इस्थमस से जुड़े हुए थे, उनमें लगभग एक जैसे ही हमें पूरा जीवाश्म मिलते हैं, पेलियो फॉसिल्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है इस स्थल संधि के द्वारा होती रही है। ठीक है, अब अगर इसके बीच में कैनाल बना दी जाए, ठीक है, इसके बीच में कैनाल बना दी जाए, तो दोस्तों ये जो हमारे इंटरनेशनल सी रूट्स हैं इनके बीच में ये एक शॉर्टकट भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हेल्पफुल है, एंड शॉर्टकट रूट प्रोवाइड करता है ये थ्रू कैनाल्स। इसके बीच में क्या बना दी जाती है, नहरें बना करके, और स्थल संधि के बीच से नहर बना करके शॉर्टकट प्रोवाइड करती है। इसके उत्तर से या दक्षिण से नहीं आना होगा, अब सीधा यहां एक महासागर से दूसरे महासागर में प्रवेश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे इनका मतलब समझा हमने। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन से हमें एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रेट के और इस्थमस के देखने को मिलते हैं, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, कि जिब्राल्टर की जो जलसंधि है वो कहाँ पाई जाती है। देखिए ये क्या है हमारा, इधर यहाँ पर है आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, ये क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला, किसका है, ये यूरोप का। ठीक है, और नीचे क्या है, दक्षिण में क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर है अफ्रीका। ठीक है, ये क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां पर पाई जाती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि पाई जाती है। इस तरफ क्या है, इस तरफ है अटलांटिक ओशियन, इस तरफ क्या है, मेडिटेरेनियन ओशियन। ठीक है, तो ये किसको जोड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको जोड़ेगा, ये जोड़ेगा अटलांटिक को भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, तो अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कौन करती है, जिब्राल्टर की जनसंधि। सेपरेट किसको करती है, ये सेपरेट करती है यूरोप एंड अफ्रीका को। ठीक है, तो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके बाद हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट की, कि बेरिंग स्ट्रेट कहां है। तो देखिए ये क्या है, यहां पर ये है साइबेरिया। ठीक है, और साइबेरिया के साथ यहां पर ये क्या है, ये है अलास्का। ठीक है दोस्तों, साइबेरिया और अलास्का के बीच में यहां पर है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है, यहां पर है चुकची सागर, चुकची सी है, और इसके दक्षिण में है बेरिंग सी।
ठीक है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से, और बेरिंग सागर किसका पार्ट है, पैसिफिक का पार्ट है, ठीक है, और चुकची किसका पार्ट है, आर्कटिक सी का पार्ट है, ठीक है। यानी हम कहें कि जो बेरिंग स्ट्रेट है ये किस किस को जोड़ेगी, ये जोड़ेगी चुकची सागर को, चुकची सी जो है इसको बेरिंग सी से जोड़ती है, या अगर इसको बड़े टर्म में बोले अगर हम तो इसको बोलेंगे कि आर्कटिक जो ओशियन है उसको पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, और सेपरेट किसको करती है, ये सेपरेट करती है ये साइबेरिया को अलास्का से, साइबेरिया एंड अलास्का को सेपरेट करती है, कौन सी, बेरिंग जलसंधि, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डेविस स्ट्रेट की, कि डेविस की जलसंधि कहां पर पाई जाती है, देखिए डेविस स्ट्रेट कहां पाई जाती है, कि यहां पर है, यह है कनाडा, ठीक है, और कनाडा के यहां पर आ रहा है ये पूरा ग्रीनलैंड है, ठीक है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में दोस्तों यहां पर जो है वो पाई जाती है डेविस स्ट्रेट, ठीक है, डेविस स्ट्रेट पाई जाती है, और ये डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ती है, यहां पर है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, और यहां पर है लेब्राडोर सी, ठीक है। तो बेफिन की खाड़ी को डेविस स्ट्रेट जो है वो बेफिन की खाड़ी जो है, बेफिन बे है, इसको जोड़ती है किससे, ये जोड़ती है लेब्राडोर सी से, ठीक है। तो कनेक्ट किसको करती है, दो जलराशि बेफिन बे और लेब्राडोर सी को, और ये सेपरेट किसको करेगी दोस्तों, ये सेपरेट करेगी कनाडा को और ग्रीनलैंड से, तो कनाडा एंड ग्रीनलैंड को ये सेपरेट करती है, ठीक है, डेविस स्ट्रेट। और इस डेविस स्ट्रेट से ऊपर जब हम बेफिन बे में जाएंगे तो बेफिन बे से ऊपर यहां पर क्या है, आर्कटिक सी है, आर्कटिक ओशियन है, और आर्कटिक जो ओशियन है, इस आर्कटिक ओशियन जो है इसको अगर हम देखें तो ये आर्कटिक ओशियन जो है, इस आर्कटिक ओशियन के यहां पर अगर हम देखें तो एक और स्टेट है, इसका नाम है नेरीज स्ट्रेट, ठीक है। नेरीज स्टेट जो है वो आर्कटिक को बेफिन की खाड़ी से जोड़ेगी और कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करेगी, तो नेरीज स्टेट सेपरेट तो किसको करेगी, कनाडा को ग्रीनलैंड से, जैसे कि डेविस स्टेट कर रही थी, मगर जोड़ किसको रही है दोस्तों, ये जोड़ेगी आर्कटिक ओशियन को बेफिन की खाड़ी से, ठीक है, किसको जोड़ेगी, आर्कटिक ओशियन को बेफिन की खाड़ी से जोड़ेगी, क्लियर है। इसके बाद देखिए एक और हम जलसंधि की बात करते हैं, एक जलसंधि और हम देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बाबल मंदेव की जलसंधि। बाबल मंदेव ये कहां पर है, बाबल मंदेव की जलसंधि ये देखिए यहां पर हमारे क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ यहां पर क्या आ रहा है, अरेबियन पेनिनसुला आ रहा है, ये क्या है, अरब प्रायद्वीप है, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। और यहां पर बीच में देखें तो यहां पर क्या है, रेड सी है, लाल सागर है, और यहां पर क्या है, अदन की खाड़ी है, ठीक है, अदन की खाड़ी है, तो अदन की खाड़ी को रेड सी से जोड़ने के लिए बीच में यहां पर दोस्तों बाबल मंदिर की जलसंधि पाई जाती है। तो किस किस को कनेक्ट कर रही है, ये रेड सी को लाल सागर को कनेक्ट कर रही है अदन की खाड़ी से, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी से जोड़ रही है, और सेपरेट किसको कर रही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसको सेपरेट कर रही है ये दोस्तों हमारे अरेबियन पेनिनसुला से, अरब पेनिनसुला से, समझ में आ गया। बाबल मंदेव की जलसंधि दो जलराशियां रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को जोड़ रही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब अरेबियन पेनिनसुला को ये सेपरेट कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है हमारा इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल को समझिए। देखिए इंग्लिश चैनल में देखें हम तो यहां पर क्या है,
नॉर्थ में जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। और ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण में यहां पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस है, ये पूरा तो क्या है आइबेरियन पेनिनसुला है, और ये क्या है, फ्रांस है, ये फ्रांस है और एक ग्रेट ब्रिटेन है। और फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में यहां पर इंग्लिश चैनल पाया जाता है, जो इधर तो है अटलांटिक ओशियन और इधर आए तो ये है नॉर्थ सी, ठीक है। तो नॉर्थ सी जो है इसको ये कनेक्ट किसको कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक को, अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रही है, जो इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रही है और ये बहुत फेमस है, इसको हर कोई पार करने की दौड़ में लगा रहता है। इसके बाद अगर इसको सेपरेशन देखें तो ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से सेपरेट कर रही है, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से सेपरेट कर रही है। इसके बाद जो देखें हमारे एशिया में एक जलसंधि है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का की जलसंधि। तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो कहां पर पाई जाती है, ये देखिए, देखिए ये पूरा जो है जब हम देखेंगे ये हमारा मेनलैंड एशिया है, क्या है, मेनलैंड एशिया है। यहां पर क्या है, यहां पर म्यांमार है और देश है, इसके साथ ये पूरा पेनिनसुलर क्या आ रहा है, मलाया पेनिनसुला है, ये क्या है, मलाया पेनिनसुला है, मलेशियन पेनिनसुला है। इस मलेशियन पेनिनसुला के नीचे यहां पर क्या है, सुमात्रा है, ठीक है। और मलेशियन पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में यहां पर दोस्तों मलक्का स्ट्रेट पाई जाती है, मलक्का जलसंधि पाई जाती है। और ये किसको सेपरेट कर रही है, इधर क्या है, यहाँ पे जोड़ किसको रही है, यह है इंडियन ओशन और इधर क्या है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो अगर हम मलक्का स्ट्रेट की बात करेंगे तो मलक्का स्ट्रेट किस किस को जोड़ रही है, ये देख लेते हैं हम, देखिए मलक्का जो स्ट्रेट है ये कनेक्ट किसको कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन को, ठीक है। और सेपरेट किसको कर रही है, ये सेपरेट कर रही है मलाया पेनिनसुला को सुमात्रा से, मलाया पेनिनसुला को ये सेपरेट कर रही है दोस्तों सुमात्रा से, ठीक है। तो ये एशिया में एक जलसंधि है, ठीक है। इसके बाद अगर एशिया की एक और जलसंधि की बात करें तो पाक स्ट्रेट, जो कि हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है, कैसे है ये देखिए, ये हमारा इंडिया का सदर्न पोर्शन है, ठीक है। और नीचे क्या है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये क्या है, इंडिया है, ये है श्रीलंका। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों यहाँ पर जो है वो पाक स्ट्रेट पाई जाती है। और इस पाक जलसंधि के इधर क्या है, अरे यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का काम क्या कर रही है, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट किसको जोड़ रही है, बे ऑफ बंगाल जो है उसको अरेबियन सी से, अरब सागर से जोड़ रही है। और सेपरेट किसको कर रही है, ये सेपरेट कर रही है दोस्तों इंडिया एंड श्रीलंका को, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को ये पाक स्ट्रेट सेपरेट कर रही है और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सागर को जोड़ रही है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, ये सारे के सारे हमने देख लिए कि जल संधियां कौन कौन सी हैं और इन जल संधियों के हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब इसके बाद हम देखें तो कुछ हम एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं कि स्थल संधि का कौन सा एग्जाम्पल है। इसका देखिए सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है जो देखे गए हैं, दो एग्जाम्पल है, एक तो देखा जाता है पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि कैसे है, ये देखिए कि यहां से क्या आ रहा है, ये देखिए यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में यहां पर जब आप आएंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा। नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है।
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ एक सकरा मार्ग है जो इन दोनों को जोड़ रहा है दोस्तों, इसको बोला जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पर पनामा देश भी है, तो पनामा की स्थल संधि है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ रहा है। और इसके इस तरफ क्या है, इसके इस तरफ है पैसिफिक ओशियन और इस तरफ क्या है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो इस्थमस ऑफ पनामा किसको जोड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका को एंड साउथ अमेरिका को, तो ये कनेक्ट कर रहा है। और सेपरेट किसको कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है पैसिफिक को किससे, अटलांटिक से। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच में एक कैनाल यहां पर बना दी गई है पनामा में। क्या नाम है इसका, इसको नाम है कैनाल ऑफ पनामा, पनामा की नहर है जिसकी वजह से पैसिफिक से इजीली कहां आ पा रहे हैं, अटलांटिक ओशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट रूट का काम कर रही है पनामा कैनाल। तो इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, यानी स्थल संधि दो स्थल खंडों को जोड़ रही है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, और दोनों जल जो राशियां हैं उनको सेपरेट कर रही है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम देखें इसका स्थल संधि का, तो वो है इस्थमस ऑफ स्वेज, इस्थमस ऑफ स्वेज, स्वेज की स्थल संधि। इस्थमस ऑफ स्वेज कहां पे है, इस्थमस ऑफ स्वेज अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और यहां पर जो है बिल्कुल यहां पर जोड़े हुए है इस्थमस ऑफ स्वेज किसको जोड़े हुए है, एशिया और अफ्रीका को। ठीक है, ये क्या है, एशिया है और यहां पर क्या है, अफ्रीका है। तो एशिया को अफ्रीका से तो ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एशिया एंड अफ्रीका को जोड़ने का काम कर रहा है। अब इस्थमस ऑफ स्वेज सेपरेट किसको कर रहा है, इसके उत्तर में यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और इसके इधर क्या है, रेड सी है। ठीक है, तो यहां क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, और साथ में कौन है, रेड सी। तो दोनों को तो ये सेपरेट कर रहा है, भूमध्य सागर को लाल सागर से तो अलग कर रहा है, और एशिया को अफ्रीका से जोड़ रहा है। अब इसमें भी एक कैनाल बनाई गई है यहां से, और इस कैनाल का क्या नाम है, सुएज कैनाल है। ठीक है, कौन सी कैनाल बनाई गई है, सुएज कैनाल, और इस सुएज कैनाल के थ्रू दोस्तों भूमध्य सागर से लाल सागर में प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ भूमध्य सागर से आप लाल सागर में आएंगे तो सुएज कैनाल जो है वो ट्रांसपोर्ट का रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो टाइप हमने देखे हैं, ये देखे हमने जल संधि और स्थल संधि के, और हमने इनका डिफरेंस बेसिक पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको अब इसका बिल्कुल क्लियर आ गया होगा समझ में, और हमने इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में डबल एफएम सीरीज के में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।